हे गाइस, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे प्यारे बैंगनों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल रिएक्शन बायो कट्टा पे आप सबका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, शुरू करते भैया, लाइक कर देने का आते ही, नए हो तो सब्सक्राइब कर देने का क्वालिटी कंटेंट के लिए। हेलो मोहिनी, चलो लेट्स स्टार्ट। सो सेशन 5 में आप सबका स्वागत है। तो फर्स्ट MCQ फॉर यू, ठीक है, फर्स्ट MCQ फॉर यू, बिना किसी समय गवाए हम लेट्स स्टार्ट, सीधा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो बताओ। सो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्यूराइन मेटाबॉलिज्म, प्यूराइन मेटाबॉलिज्म का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो प्यूराइन मेटाबॉलिज्म का यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है, दैट शुड बी द यूरिक एसिड। थैंक यू गाइस, थैंक यू। चल नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कौन सा नहीं है नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? रिमेटॉइड आर्थराइटिस, मायस्थेनिया ग्रेविस, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी या एडिसन्स डिजीज? काफी ईजी, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बोलो 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 बोलो। रिमेटॉइड आर्थराइटिस इट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यस इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, मायस्थेनिया ग्रेविस यहाँ पे इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एडिसन दिस इज ऑल्सो द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे तुमको जो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो सी जिन्होंने बोला था, झांसी ने बोला था, नाजरीन ने बोला था, चैतन्य ने बोला था, अथर्व ने बोला था, ध्यान में रखो, तेजीब ने बोला था, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाना चाहिए, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, आई मिस यू टू तानिया, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 यहाँ पे दिया है, क्या दिया स्टेटमेंट 1? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म इन ह्यूमंस कॉजेस डिसऑर्डर टिटैनी। ठीक है, टिटैनी होता है, एंड ये किसके अंदर होता है? लो कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कॉजिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हाइपो मतलब कम होने, पैराथायरॉइड कम होने के कारण टिटैनी होता है, क्या बोलिए, सही है? एक्स लिंक डोमिनेंट, यस शुभंकर जी सही बात है, थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू। बोलो कौन सा आना चाहिए भैया, क्वालिटी क्वेश्चंस आते ही लाइक कर देने का है, अटेंडेंस लगाने का सबने। ठीक है, सिंचन नोहरा, मोहिनी, सुलक्षणा, शुभंकर, उर्वी सही बात है भैया, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म लो कैल्शियम लेवल के कारण यहाँ पे जो है तुमको टिटैनी होता है, टिटैनी क्यों होता है, क्योंकि लो कैल्शियम लेवल के कारण स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है एंड उससे मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज होता है, सो दैट्स वाई यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सबसे सही होगा, क्या बात है। नेक्स्ट, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? हाउस फ्लाई फैमिली रिप्टेरिया है क्या, टाइगर फैमिली कार्निवोरा है क्या, ह्यूमंस फैमिली प्राइमेट से बिलोंग करते हैं, या मैंगो जो है वो एनाकार्डे से फैमिली से बिलोंग करता है क्या? लाइक करके लगा रहे हैं सिंचन जी, सही बोला है तुमको, यहाँ पे करेक्ट बोला है, करेक्ट, करेक्टली मैच, तो मुझे लगता है करेक्टली मैच यहाँ पे मैंगो है, मैंगो की फैमिली यहाँ पे तुमको एनाकार्डे से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एनाकार्डे से यहाँ पे किसमें देखने को मिलेगा, काफी इजी, सो मैंगो फैमिली एनाकार्डे से, दैट्स अ करेक्ट। यस ऋतुजा, ऐश्वर्या, वेरी गुड, मिनी माता, ठीक है, देवाशीष, मोहिनी, चलो नेक्स्ट। ऑल आर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, इजी MCQ है, एक्सेप्ट पूछा है। ऑल आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है, तो इंक्रीजिंग मास फ्रॉम इनसाइड इट्स एन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटाबॉलिज्म ये तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ही, कॉन्शियसनेस ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं है, इट्स नॉट एन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वाई? बिकॉज हनी बीज, ह्यूमन बींग्स, स्टेराइल कपल्स पाए जाते हैं, तो सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है, तो ईजी। म्यूल्स, वर्कर बीज, म्यूल हाँ, मुड़े नहीं, मुड़े मैं हूँ, ठीक है, म्यूल्स, वर्कर बीज, एंड यहाँ पे देखा जाए तो और भी कोई इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। Sort of rye is caused by the clavaceps and clavaceps belong to ascomycetes, brettanomycetes, phycomycetes या फिर deuteromycetes? काफी इजी क्वेश्चन ही आना ही चाहिए किसी भी हाल में, बोलो भैया किससे बिलोंग करता है? देवाशीष ने सबसे पहले आंसर किया, अथर्व, सुलक्षणा, उर्वी, थानिया, शुभांकर, श्रेयस, अथर्व, मोहिनी, ठीक है, झांसी, मिनीमाटा, सिंचन, यस एब्सोल्युटली ascomycetes, ठीक है, clavaceps आर बिलोंग्स टू द ascomycetes, ध्यान में रखो, तो ए ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इस्टैचियन ट्यूब्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इस्टैचियन ट्यूब्स, बताओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इस्टैचियन ट्यूब्स, हेल्प इन इक्वलाइजिंग प्रेशर ऑन द बोथ साइड ऑफ टिम्पेनम, कनेक्ट द मिडल ईयर विद द वॉइस बॉक्स, फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, कनेक्ट मिडल ईयर टू द ओरोफैरिंक्स, क्या होना चाहिए? ईजी है, सबको आना चाहिए भैया, नील ने सबसे पहले आंसर दिया लगता है, मिनी माटा ने दिया, विद नील, अथर्व, सहाना, तानिया, श्रेयस, यस एब्सोल्युटली भैया, एब्सोल्युटली, काफी इजी, अथर्व, यस, ठीक है, क्या करता है ये, इक्वलाइजिंग प्रेशर ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ टिम्पैनम, टिम्पैनम के दोनों साइड पे ये प्रेशर इक्वलाइज करने में हेल्प करता है, काफी क्वालिटी क्वेश्चन जी, बिल्कुल बिल्कुल।
या जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइबर करना है, जैसा हमारे प्रथमेश नवले भैया ने बोला है, चैतन्य भैया ने बोला है, तो कैसे लाइक एंड सब्सक्राइबर करते जाने का है, अटेंडेंस लगाते जाने का है, जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा। कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताओ कॉर्टिसोल का काम क्या होता है? एलर्जिक रिस्पॉन्स, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड लाइपोजेनेसिस, कॉजिंग इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। काफी क्वालिटी क्वेश्चन नहीं है, लोग सीसी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सीसी आंसर होना चाहिए इसका। जेनेसिस करता है या लाइसिस करता है, कंफ्यूज हो रहे हो? जेनेसिस करता है या लाइसिस करता है? लाइसिस करता है, लाइसिस, लाइपोलाइसिस, ग्लाइको, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ठीक है, ग्लूकोज प्रोडक्शन का काम करता ही है, ठीक है। तो ये तो उल्टा दिया है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस स्ट्रेस करने का, ये रिड्यूसिंग स्ट्रेस करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करने का काम करता है, इन्फ्लामेशन कम करने का काम करता है, ठीक है। बी ऑप्शन इज अ मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान में रखो, क्वालिटी क्वेश्चन है, गलत करना ही नहीं है किसी भी हाल में। नेक्स्ट, इन अ किडनी एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला आर कॉल्ड एज, क्या बोलते, इजी है। अब ये जो गलत करेगा उसको बैंगन फेंक के मारेंगे, वो भी काटे वाला, समझ रही हो? चलो भैया, यस पौला जी, पौलस जी, हेलो, चलो 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 चलो। इन किडनी एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मिडिल आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको? सही दिया है भैया, सिंपल चीज है, इट कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स, इट्स कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स, ठीक है। एक्सटेंशन कॉर्टेक्स का मिडिला में जो एक्सटेंशन होता है, इट्स कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स। ध्यान, नेक्स्ट, ऑल आर द आर्ची बैक्टीरिया एक्सेप्ट क्लोरेला इज नॉट एन आर्ची बैक्टीरिया, इट्स नॉट एन आर्ची बैक्टीरिया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो, रिजर्व फूड इन द ग्रीन एल्गी, रिजर्व फूड इन द ग्रीन एल्गी, इजी एमसीक्यू, चलो जल्दी रैपिडली, रिजर्व फूड इन द ग्रीन एल्गी कौन सा होना चाहिए, एकदम रैपिडली लगा देने का। हेलो, अच्छी, सही बात है भैया, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, स्टार्च, ठीक है। ग्रीन एल्गी में क्या होता है? ग्रीन एल्गी में होता है स्टार्च, ठीक है, देन फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें होता है? रेड एल्गी। लैमनरिन किसमें होता है? लैमनरिन एंड मैनिटॉल, ठीक है। यहाँ पे किसमें देखने को मिलेगा? ब्राउन एल्गी। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे चारों स्टेटमेंट पढ़ो एंड इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये तुमको पूछा है, करेक्ट कौन सा ये पूछा है। तो स्पोरोफाइट इज अ प्रीडोमिनेंट फेज इन ट्यूडोफाइट, ठीक है क्या ये? मोस्ट ऑफ द ट्यूडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस, सही है क्या ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वोल्वॉक्सिस ऊगामस, सही है क्या ये? स्पोरोफाइट इन मार्केशिया इज मोर इलाबरेट देन फ्यूनेरिया, एनसीईआरटी के लाइन से, ये सारे एनसीईआरटी के लाइन से, तो कौन सा आना चाहिए बोलो, कौन कौन से सही है? कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, दो, यस एब्सोल्युटली, टू आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, टू आर करेक्ट स्टेटमेंट, वॉलवॉक्स में उगैमस होता है, और कौन सा होगा? नहीं, कौन बोला सिंचान नहीं होगा? मोस्ट ऑफ द डिफाइट हेटेरोस्पोरस होते हैं क्या? नहीं, ठीक है, ध्यान में रखो, यस yes, ठीक है, चलो भैया, एब्सोल्युटली बी ऑप्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग पर्टेनिंग टू द ह्यूमन हार्ट, दिल के बारे में बताओ, तो बताओ इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच, यहाँ पे स्टेचियन वॉल कोरोनरी साइनस दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये गलत मैच है, यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। सो साइनाइटल नोड पेसमेकर कहते हैं, परकिंजे फाइबर स्पेशलाइज मसल फाइबर्स, ए वी बंडल इंट्राविट्रिकुलर सिप्टम, सही है, ठीक है, तो गलत है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोशियस ब्रायोफाइट, बताओ इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोशियस ब्रायोफाइट, बोलो 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 बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोशियस ब्रायोफाइट, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं उसमें, मेल अलग फीमेल अलग। अबे ब्रायोफाइट पूछा है, डी कैसे होगा? बैंगनो ब्रायोफाइट, साइकस के ब्रायोफाइट में आता है क्या? डी वालों, तुक्के वालों, बैंगन फेंक के मारेंगे तुमको, तुक्के मारने वालों को, ऐसा बहुत बड़ा बैंगन फेंक के मारेंगे। ब्रायोफाइट पूछा है तो साइकस ब्रायोफाइट में आता है क्या? डेट पाम ब्रायोफाइट में आता है क्या? ठीक है, यस, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, मार्केशिया आना चाहिए यहाँ पे, मार्केशिया आना चाहिए। सो सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन, बताओ रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस 20 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन एंड इट हैज अ ग्रेटर सोल्युबिलिटी इन द ब्लड, सही है क्या? ठीक है, देन ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बिटवीन द लंग्स एंड एटमोस्फियर, ये तो सही है, ये तो किसी भी हाल में सही है, ठीक है, ये तो सही है। तो जिसमें भी बी है उसको कलेक्ट कर लो, तो इसमें बी नहीं है ये गया, इसमें बी नहीं है ये गया, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम इज अल्टर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स, नहीं बेटा,
ठीक है, लंग्स में कोई भी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन वहाँ पे होता नहीं है, एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल कॉजेस नॉर्मल इंस्पिरेशन, नहीं एक्सटर्नल और इंटरनल एक साथ यहाँ पे नहीं करते, तो यहाँ पे ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, क्वालिटी एमसीक्यूज है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन एबिलिटी 20 टाइम ज्यादा होती है। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ दिस आर इन्फीरियर ओरी, चलो इन्फीरियर ओरी। ठीक है, तो भैया कुकुरबिटी से फैमिलीज में मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है, इपीगाइनस कंडीशन में पाए जाते हैं, मोस्टली इपीगाइनस कंडीशन, ठीक है, इपीगाइनस कंडीशन में पाए जाते हैं। एंड इसके एग्जांपल्स यहां पे देखो क्या क्या आ सकता है, बोलो अभी, कुकुरबिसी फैमिली, पम्पिजरोस तो आएगा नहीं, वो तो पेरीगाइनस कंडीशन में आता है। यस एब्सोल्युटली यस, ग्वावा ओके, अगेन यस एब्सोल्युटली वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए, दो ऑप्शन आना चाहिए, दो ही ऑप्शन आ जाएगा, रे फ्लोट्स ऑफ सनफ्लावर, यस एब्सोल्युटली, चलो कुकुम्बर ओके नेक्स्ट। अब ये बता दो, ये तो इजी एमसीक्यू है, इसमें तो भैया बनता है, देखो क्वालिटी क्वेश्चंस करा रहे हैं हम, एकदम क्वालिटी क्वेश्चंस करा रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, एलिफेंटासिस, एस्केरियासिस, एमेबियासिस, कम ऑन नाना जी बोलिए, नाना जी बोलिए बोलिए, यस यार लाइक तो बनता है, लाइक करो, चलो भैया लाइक तो बनता है भैया, आज आज क्या हो गया भैया, आज मन से लाइक करो, एकदम क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, क्या होना चाहिए इसका। ठीक है, एबीसीडी यहां पे दिया है तुमको, तो ए का यहां पे देखो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंड इज एन एक्स लिंक रिसेसिव जीन से बनता है क्या, ए का थ्री आना चाहिए क्या, तो ये दोनों ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए यहां पे। ठीक है, देन यहां पे क्या होना चाहिए, एलिफेंटासिस, एलिफेंटासिस नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस का क्या आना चाहिए, डिफिशियंसी ऑफ रेटिनॉल। ठीक है, एलिफेंटासिस का क्या आना चाहिए, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, एस्केरिसिस का क्या आना चाहिए, इंटरनल ब्लीडिंग, एंड एमीबियासिस कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भैया, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, सी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन आना चाहिए, ध्यान में रखो, काफी क्वालिटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टेस्टा इज एडिबल इन, एकदम फेमस एमसीक्यू, ये पीवाईक्यू है, मैंने बोला था कि ये जो आज जो डेली सेशन जो बच्चे कर रहे हैं, ये जो सेशन डेली कर रहे हैं ना बच्चे, उनके पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे, उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे, उनके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो टेस्टा इज एडिबल इन, बताओ, काफी एकदम क्वालिटी क्वेश्चन, टेस्टा इज एडिबल इन, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बी ऑप्शन होना चाहिए, मिनी माटा कह रही कि ए होना चाहिए, एंड वरलक्ष्मी भी कह रही कि वन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे आएगा पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट आना जाएगा यहां पे, ध्यान में रखो, टेस्टा इज एडिबल इन द पोमोग्रेनेट। ठीक है, पोमोग्रेनेट में होता है, तो ध्यान में रखो, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द मैच्योर फॉलिकल विद द सेकेंडरी ओसाइट, एनसीईआरटी का डायग्राम है, याद आ रही है, तो यहां पे देखो मैच्योर, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल विद द सेकेंडरी ओसाइट किस में होता है, ए बी सी डी में, मैच्योर ओसाइट, ठीक है, बताओ मैच्योर ओसाइट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया यहां पे मैच्योर ओसाइट, मैच्योर फॉलिकल, फॉलिकल पूछा है, फॉलिकल ब्रेक होना नहीं चाहिए, तो डी ऑप्शन कैसे आएगा, फॉलिकल डी ऑप्शन में यहां पे फॉलिकल दिख रहा है क्या तुमको, फॉलिकल है क्या इसमें, नहीं सिर्फ सेकेंडरी ओसाइट दिख रहा है, वहां पे यूजेनेसिस हो चुका है, तो क्या आना चाहिए यहां पे, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आना चाहिए, वेरी गुड। ठीक है, कल भी हम बहुत सारे डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज करने वाले, ठीक है अर्जान, ठीक है, सी ऑप्शन आना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट, एग्जामिन द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल, बताओ, एग्जामिन द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई, तो ये तुमको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये डायग्राम दी होगी, तो यहां पे पहचानो कि ए बी सी क्या है, एकदम क्वालिटी क्वेश्चन है, बोलो एकदम क्वालिटी क्वेश्चन, नया नया एकदम ताजा ताजा एमसीक्यू है, कि इसमें से कौन सा अपीयरेंस कौन सा होगा, एनाटॉमी का ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का ये, ठीक है, ट्रैकाइड से, ये सारे जो डायग्राम है यहां पर तुमको ट्रैकाइड के दिख रहे हैं, ठीक है, ट्रैकाइड है एंड वेसल भी है। ठीक है, तो दिस फर्स्ट वाला जो है ना बेटा, ये फर्स्ट वाला देखो यहां पे एकदम सर्कुलर सर्कुलर आ रहा है, सो ये पीटेड, इसको पीटेड कहते हैं अपन, ठीक है, इसको पीटेड कहते हैं। दूसरे में एनुलर रिंग्स दिख रही है, तो ऐसे रिंग्स दिख रही है, तो सेकंड वाला एनुलर है, सेकंड वाला एनुलर है, ठीक है, एंड थर्ड वाला देखो वेसल है, आराम से पानी जा सकता है, इसमें से वेसल है, तो इट्स अ पीटेड वेसल्स, तो ये ऑप्शन जिसने भी बोला है उसने करेक्ट बोला है, ये ऑप्शन जिसने भी बोला है वो सही बोला है। ठीक है, सो पीटेड, देन एनुलर, एंड देन
पिटेड वेसल्स, ठीक है। ट्रेकाइड एंड वेसल में तुमको डिफरेंस अभी पता चल गया होगा। देखो यहाँ पे ट्रेकाइड में ऐसा होता है और वेसल में ऐसा पूरा एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है वेसल में, और जो ट्रेकाइड में नहीं होता है। तो ये डिफरेंस समझ लो, ठीक है। ऐसे एमसीक्यू तो आ सकते हैं एंड ये कंसेप्ट क्लियर कराने का अपना काम चल रहा है। चलो भैया नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ मेल सेक्स एसोसिएटेड। नॉट कंसिडर्ड, नॉट, इजी एमसीक्यू, मजा आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। बने रहिए अपने साथ भैया, 100 एमसीक्यूज ऐसे क्वालिटी कर रहे हैं अपन। लाइक बनता है जिन्होंने लाइक नहीं किया है, नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब भी बनता है भैया। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेल सेक्स एसेसरी डक, नॉट कंसिडर्ड, बताओ एसेसरी डक कौन सा है। बहुत बच्चों ने सही आंसर, यूरेथ्रा इज नॉट एसेसरी मेल डक, ठीक है। नेक्स्ट, इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रोसीजर इंटरनली इन द मेथड, ठीक है। यहां पर फर्टिलाइजेशन इंटरनली किस में होता है, इंटरनली अंदर सेक्स ऑर्गन्स के अंदर किस में होता है, आईसीएसआई में होता है, आईयूएआई में होता है, जिफ्ट में होता है या आईओटी में होता है। कल वाली में डायग्राम बेस एमसीक्यू, सारे के सारे डायग्राम बेस एमसीक्यू। चलो किसमें किसमें पूरा इन वीवो पूछा है तुमको अभी, इन वीवो मेथड कौन सी है इसमें से, तो इसमें से इन वीवो मेथड कौन सी है, बी ऑप्शन, ठीक है। बहुत लोगों ने सही दिया, अथर्व, अमायरा, वेरी गुड सौदागर जी, ठीक है, नाजरीन, अलिंगन, वुर्वी, मिनीमाटा, एब्सोल्युटली। इंट्राउटराइन इंसेमिनेशन, यहाँ पे इन वीवो इंसेमिनेशन होता है, इन टू द यूटेरस होता है, ठीक है, ध्यान में रखो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टू अवॉइड अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी। नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड, ठीक है, नॉट यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इसको तुम कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी नहीं इस्तेमाल कर सकते, बता दीजिए, नहीं नहीं मैं यहां पे देखने को मिलेगा तुमको। इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेन कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, अनवॉन्टेड 72 आईपीएल वाली जो दवाइयां होती है उसमें वही होता है, या फिर इसमें कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, यस, ठीक है, नॉट यूज लिखा है, तो यहां पे हो सकता है इंट्रायूटराइन डिवाइसेस भी कर सकते हैं। वंस अ वीक पिल लेके कुछ होगा, वंस अ वीक पिल लेके यहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है क्या, नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या ऑप्शन आना चाहिए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखो। क्वालिटी क्वालिटी एंड कंसेप्ट क्लियर कर लो अपनी, उसी के लिए बैठे हम यहां पे, ठीक है। यहां पे तुमको क्वालिटी क्वेश्चन के साथ क्वालिटी जो है वो कंसेप्ट भी मिलेंगे। सो डी राइबोज इज, बताओ, अब ये तो बायोमोलिक्यूल वाला क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री वाला भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में ऐसे एक सवाल पूछे जाते हैं तुमको। डी ऑक्सीराइबोज इज कौन सा टाइप का है, कितने कार्बन होते हैं उसमें, कीटो पेंटोज है, पेंटोज है, या हेक्सो शुगर है, या एरिथ्रो शुगर है, चार कार्बन, तीन कार्बन, पांच कार्बन, या छह कार्बन वाला, इजी है, डीऑक्सीराइबोज है, राइबोज, तो राइबोज में कितने कार्बन होते हैं, इजी है, कम ऑन गाइस, ठीक है। पेंटोज होता है वो, पेंटोज पांच कार्बन वाला होता है, ध्यान में रखो, वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। डीऑक्सीराइबोज इज अ पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर होती है, ध्यान में रखो, हेक्सोज नहीं है, ओके। सिंपल एमसीक्यू, कंसेप्ट क्लियर करा लो भैया, कंसेप्ट क्लियर करा लो भैया, एग्जाम 10 दिन पे है, कम ऑन। नेक्स्ट, एग्जामिन द ग्राफ शोइंग द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, फॉर इफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज प्रेजेंट, तो यहां पे क्या इंक्रीज होगा, ए बी वेलोसिटी वी मैक्स इंक्रीज होगा, ठीक है, ये वी मैक्स यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये डायग्राम तुमको दिए, वी मैक्स बाय टू, यहां पे के की वैल्यू है, ठीक है, क्या आना चाहिए यहां पे के, ठीक है, यहां पे वी मैक्स क्या इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बेटा एक कंसेप्ट समझ लो, मैं जो बोल रहा हूं वो कंसेप्ट समझ लो, कभी भी जबी भी, ठीक है, कभी भी जबी भी, कभी भी अभी भी जबी भी, ध्यान में रखो, ठीक है, जब भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज होगा रिएक्शन में, जब भी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज होगा, ठीक है, इट विल अफेक्ट द के वैल्यू, के मैक्स वैल्यू, ठीक है, इट विल अफेक्ट द के मैक्स वैल्यू, जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा उतनी ज्यादा के मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यू के मैक्स की बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो के की वैल्यू क्या बढ़ेगा, फिर क्या ऑप्शन आना चाहिए इसका, हबीबी, वल्ला हबीबी, यस, माइकलिस मेंस्टेन कॉन्स्टेंट, यहां पर आंसर क्या आना चाहिए फिर तुम बताओ अभी, ठीक है, एब्सोल्युटली। मैंने क्या बोला, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर यूज होगा तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, के की वैल्यू बढ़ेगी, के कहां पे, यहां पे कौन दिखा रहा है, के सी दिखा रहा है,
तो ऑप्शन क्या आना चाहिए यहां पे, सी विल इंक्रीज, के मैक्स विल इंक्रीज, जब भी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हो जाएगा वहां पे माइकलिस कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स विदाउट द मेम्ब्रेन्स, इजी क्वेश्चन, देखो क्वालिटी क्वेश्चन, मजा आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, लाइक बनता है भैया, लाइक करो, ठीक है, एकदम मजे से लाइक करो कि एकदम जोश बढ़ा दो सेशन का। चलो नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट द मेम्ब्रेन्स कौन सा है बताओ, सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट द मेम्ब्रेन्स, सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट द मेम्ब्रेन्स, विदाउट मेम्ब्रेन पूछा है तो यहां पे विदाउट मेम्ब्रेन सेंट्रियोल एंड राइबोसोम्स आना चाहिए, विदाउट मेम्ब्रेन पूछा है तो यहां पे सेंट्रियोल्स एंड राइबोसोम्स आना चाहिए भैया, काफी इजी, ठीक है। नेक्स्ट, फिनिलकेटोन्यूरिया इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, नॉट एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल नहीं है, फिनिलकेटोन्यूरिया इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, बताओ रिसेसिव ट्रेट है क्या जनता, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट है क्या, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, वी नो दैट एनसीईआरटी में दिया है ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, प्लियोट्रॉपी दिखाता है क्या, जी हाँ, मल्टीपल सिम्टम्स है, एक के कारण बहुत सारे सिम्टम देखते हैं तो प्लियोट्रॉपी तो दिखाता ही है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है क्या, जी हाँ, इनबॉर्न एरर पीएच यहाँ पे अफेक्ट हो जाता है, पीएच इंड्यूसिंग जीन, ठीक है। फिनील एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम प्रिपेयर नहीं होता है तो दैट्स वाई ये डिसऑर्डर होता है, तो ये सेक्स लिंक नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, वेरी गुड, ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट, एंटीजेनिक नेचर ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू, बताओ एंटीजेनिक नेचर ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू, बताइए एंटीजेनिक नेचर ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू, किसके कारण, मतलब ये जो बैक्टीरिया में एंटीजेनिक नेचर जो आता है कि ये होस्ट को वायरल करेगा या बीमारी देगा होस्ट को, कोई भी बैक्टीरिया हो जो होस्ट में बीमारी तैयार करता है उसको किस में प्रेजेंट होती है, ठीक है, होता है ना कन्वर्ट, हाँ यस एब्सोल्युटली, फिनिल एलेनाइन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है उसमें, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो क्या होता है बैक्टीरिया में, ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण बीमारियां होती है, एंटीजेनिक नेचर होता है, सो उसके कैप्सूल के कारण होता है, कैप्सूल के कारण होता है बेटा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन आना चाहिए, कैप्सूल। तुमने अभी, तुमको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट याद है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट याद है, वहां पे तुमने बोला था वायरुलेंट स्ट्रेन अवायरुलेंट स्ट्रेन, तो वहां पे तुमने बोला था कि वायरुलेंट किसके वजह से, क्योंकि स्मूथ कैप्सूल लेयर प्रेजेंट है, स्मूथ कैप्सूल लेयर प्रेजेंट है, एड्स एचआईवी पे भी वहां पे G15 नाम का होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखो भैया, कैप्सूल के कारण यहाँ पे एंटीजेनिक नेचर जो है वो बैक्टीरिया में होता है, तो ध्यान में रखो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स डू नॉट परमिट एनी मूवमेंट, कोई भी ना हलिंग ना डुलिंग, मुस्त बड़बड़ करिंग, मुस्ती बाता करिंग, हलिंग ना डुलिंग, मुस्त बड़बड़ करिंग, बोलो कौन सा, नो मूवमेंट एट ऑल, किसमें, काफी कौन सा, हलिंग ना डुलिंग है, जॉइंट्स बिटवीन द क्रैनियल बोन्स, ठीक है, क्रैनियल बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है ना तुम्हारा ये हिस्सा दिमाग का ऐसा आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, ये इधर साइड का दिमाग ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, ऐसा मूवमेंट तो कभी होती नहीं है दिमाग में, ठीक है, तो भैया इमूवेबल है। नेक्स्ट, जाइगोटिनी पैचेटिनी डिप्लोटिनी डायकेनेसिस, लता जरा पप्पी दे दे, तो लता जरा पप्पी दे देगा लगा दो अभी, ठीक है, लता जरा पप्पी दे देगा लगा दो, इंटरेस्टेड क्वेश्चन सर, थैंक यू नाना जी। जाइगोटिनी पैचेटिनी डिप्लोटिनी डायकेनेसिस क्या आना चाहिए बोलो, चलो 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 चलो, जाइगोटिनी में क्या होता है, जाइगोटिनी में यहां पे हमने देखा था कि इसको मिरर में देखेंगे तो ये यस आता है, यस मतलब यहां पे क्या होता है, सिनेप्सिस होता है, और सिनेप्सिस मतलब बायवेलेंट फॉर्मेशन, सिनेप्सिस मतलब बायवेलेंट फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। देन पैचेटिनी में क्या होता है, टेट्राएड बिकम विजिबल होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है तो टेट्राएड बिकम विजिबल, ठीक है। देन डिप्लोटिनी में क्या होता है, कायजमेटा फॉर्मेशन, ठीक है, डिप्लोटिनी में क्या होता है, कायजमेटा फॉर्मेशन होता है, एंड डायकेनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है, तो डी ऑप्शन, जिन्होंने भी चार ऑप्शन बोला है वो सही है, सारे सही है बेटा, ठीक है। तो डिप्लोटिनी में कायजमेटा फॉर्मेशन होता है, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है, तो ये ध्यान में रखो, डियाटर डियाटर ध्यान में रखो, डियाटर, ठीक है, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है, ये ध्यान में रखो। एंड डिप में क्या होता है, डिप में कायजमेटा होता है, डिप कायज, डिप कीज, ठीक है, तो डिप चीज, अगर तुमको डिप्लोटिनी एंड डायकाइनेसिस में कंफ्यूज हो रहा है तो तुमको दो वर्ड याद में रखने, डिप चीज, डिप चीज मतलब डिप्लोटिनी में कायजमेटा फॉर्मेशन, एंड डियाटर, ठीक है, डाइटर, तो वहां पे डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, ओके, डिप चीज में ध्यान में रखो, डिप चीज खाते हो ना, डिप चीज, चीज के बिना तो कुछ होता नहीं है आजकल। चलो, मैच द फॉलोइंग, एक्रोमियन प्रोसेस, टेगमिना, एरेथ्रोपोएटिन, सेरेब्रल पेडिंकल्स, कहां से क्या आ जाएगा बोलू भैया, क्वालिटी क्वेश्चन एकदम, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस किसमें होता है भैया, बता दिया, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, स्कैपुला में होता है, ठीक है, स्कैपुला बोन, ठीक है, मतलब स्कैपुला बोन मतलब कौन सी गर्डल, कौन सी गर्डल बोलो,
ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस जो है, एक्रोमियन प्रोसेस तुम कह रहे हो स्कैपुला में होता है, तो स्कैपुला मतलब पेक्टोरल या पेल्विक? पेक्टोरल, वेरी गुड, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में होता है स्कैपुला, ठीक है। बटरफ्लाई शेप बोन होता है ना, यहाँ पे पंछी बनू, उड़ता फिरू, मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया की चमन में, ठीक है। तो ये दिस इज द पेक्टोरल गर्डल, यहाँ पे स्कैपुला नहीं, यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ए का टू कहाँ पे दिया भैया? दो ऑप्शन में दिया है, तो ये दोनों तो कट हो गए। देन टेगमिना, टेगमिना इज अ फोर विंग्स, टेगमिना इज अ फोर विंग्स, ठीक है। एरेथ्रोपोएटिन कौन करता है? जक्स्ट्रा ग्रोमुलर सेल जो होती है किडनी की, वो एरेथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करती है। एंड सेरेब्रल पेडिंकल्स कहाँ पे होते हैं? तो मिड ब्रेन में होते हैं भैया, ठीक है। तो ध्यान में रखो, ये क्वालिटी क्वेश्चन है। देन क्रोमोसोम्स अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय काइनेटोकोर्स इन, ये सबसे क्वालिटी क्वेश्चन है। इसका जो जवाब सही देगा वो बनेगा आज का धुरंधर। तो कौन कौन धुरंधर है बताओ? क्रोमोसोम्स अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय काइनेटोकोर इन कौन से फेज में? थैंक यू, डांस करने के लिए नया है, फिर से वो स्टेप कौन सा? ये पंछी बनो उड़ता फिरू, ये नया स्टेप हमने नहीं आया, मतलब पंछी बनो उड़ता फिरू, ये वो बिहू डांस होता है उसमें करते हैं ना ये, ठीक है। तो धुरंधर आज के बहुत लोग हैं भैया, अलिंगन से लेके तानिया, नीलम, नाजरीन, भारत, गनू, ठीक है, उर्वी, संजना, मिनीमाटा, शेखर, तनु, रिया, बहुत सारे लोग हैं भैया, सारे के सारे धुरंधर है आज, पूरे क्लास में धुरंधर ही बैठे आपने, ठीक है। मेटाफेज में होता है भैया, ध्यान में रखो, क्रोमोसोम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय काइनेटोकोर्स इन मेटाफेज, मेटाफेज में अटैच होता है। चलिए भैया, राधे श्याम जी सही बात है। चलो नेक्स्ट, ये डायग्राम कहीं देखिए क्या, डायग्राम कहीं देखिए क्या? मैं अपने मम्मी को ऐसा वाला डांस करके दिखा दूंगी जी, बिल्कुल दिखा देना। चलो आइडेंटिफाई द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ऑफ द फॉलोइंग, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहां पे होती है? चलो बताओ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहां पे ए है, यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, यहां पे डी है। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहां पे होती है? ईयर की है, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहां पे होती है बताओ? चलो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, गाय हमारी माता है, मैथ नहीं आता है, वाह वाह, गाय हमारी माता है, मैथ नहीं आता, इसलिए तो बायोलॉजी लिया, इसलिए तो बायोकट्टा को सब्सक्राइब करना बनता है, गाय हमारी माता है, मैथ नहीं आता है, तो बाढ़ में जाए। चलो क्या आना चाहिए यहां पे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहां पे होती बेटा, ठीक है, डी ऑप्शन में होना चाहिए यहां पे, ठीक है, नहीं यहां पे देखो, ठीक है। सो ये डी ऑप्शन में क्या दिखाया जा रहा है तुमको? डी ऑप्शन में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई दिखाया जा रहा है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। यहां पे देखो बी ऑप्शन, देखो बी यहां पे ऊपर की तरफ, ठीक है, तो बी ऑप्शन देखो यहां पे ऊपर की तरफ है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये डायग्राम थोड़ी सी खराब थी तो इग्नोर, ये गलत हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तुमको मालूम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर होती है, ध्यान में रखो, ठीक है। सो एंजाइम दैट आर एब्सेंट इन द सक्कस एंटेरिकस, बताओ कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है इन अ सक्कस एंटेरिकस? ये मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस में क्या एब्सेंट होता है बताओ? इंटेस्टाइनल जूस में क्या एब्सेंट होता है? जूसेस में क्या एब्सेंट है इंटेस्टाइनल जूस में? इजी एमसीक्यू, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है भैया। पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या होता है? ये कहां पे होता है? पैनक्रियाटिक जूस में होता है, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूसेस में न्यूक्लियसेस होते हैं, ठीक है। बाकी न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोराइडेज, डाइसैकेराइडेज, सारी जो है तुमको इंटेस्टाइनल जूसेस में मिलेंगे, लेकिन न्यूक्लियसेस तुमको पैनक्रियाटिक में मिलेगा। नेक्स्ट, सॉरी चलो, फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द रूट प्रेशर कौन सा? कौन सा फेनोमेनन रूट प्रेशर के साथ एसोसिएटेड है बताओ? द फेनोमेनन विच इज एसोसिएटेड विद द रूट प्रेशर, फेनोमेनन विच एसोसिएटेड विद द रूट प्रेशर, ब्लीडिंग, गटेशन, सैप एक्सुडेशन, ऑल ऑफ दिस। तुम्हारा फेवरेट ऑप्शन है तो तुक्के तो तुम मारोगे, फेवरेट ऑप्शन है तो तुक्के तो तुम मारोगे, एंड तुक्के इस बार सही भी लगेंगे, ठीक है। ब्लीडिंग को ही अपन गटेशन कहते हैं, गटेशन को ही सैप एक्सुडेशन कहा जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट, रूट प्रेशर इज रिलेटेड टू ब्लीडिंग, गटेशन, सैप एक्सुडेशन। क्वालिटी क्वेश्चन भैया, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, नए हो तो शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, डेली 9 PM सेशन। चलो नेक्स्ट, फैक्टर विच इज इनवर्सली रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन इज, फैक्टर विच इज इनवर्सली रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन, इनवर्स उल्टा रिलेशन है इसका, मैंने तो पहले बोला था जी, प्रिया कमॉन, मिनीमाटा, शुभांकर, वरलक्ष्मी, यश, झांसी, नीलो, तुक्का मार रहे हो। चलो संजना, फैक्टर विच इज इनवर्सली रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन कौन सा? इनवर्सली मतलब वो बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन घटेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? बढ़ता है, तो ये डायरेक्ट है,
ठीक है, लाइट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है ध्यान में रखो, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपिरेशन, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा, तो यहां पे ऑप्शन क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपिरेशन, ठीक है, चलो नेक्स्ट, द डिसीज कॉज बाय द रिंगवर्म, कौन कौन सा डिसीज होता है, डर्माटाइटिस, डर्मेटोमाइकोसिस, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस या ओरिएंटल सोर्स, डिसीज कॉज बाय द रिंगवर्म्स, कौन सा डिसीज होता है रिंगवर्म के कारण, कम ऑन गाइज, ये भी ट्रिक क्वेश्चन है, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ये भी ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो माइकोसिस यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइकोसिस, माइकोसिस मतलब इट इज कॉज बाय द फंगाई एंड दैट इज द रिंगवर्म, ठीक है, डर्माटाइटिस मतलब सिंपल क्या है, इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन, ये तो किसके कारण भी हो सकता है, इसके कारण भी हो सकता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आना चाहिए भैया, सही बात है भारत, चलो भैया नेक्स्ट, प्रोरिनिन इज सिक्रेटेड बाय, प्रोरिनिन कौन सिक्रेट करता है, प्रोरिनिन, कम ऑन पीपल, प्रोरिनिन इज सिक्रेटेड बाय रेनिन, कौन सिक्रेट करता है, वही प्रोरिनिन सिक्रेट करेगा, लेकिन यहां पे डबल एन वाला है, डबल एन, डबल एन है, डबल एन, बैंगनो ट्रिक एकदम क्वालिटी एमसीक्यू, ये क्वालिटी एमसीक्यू कहां नहीं मिलेंगे, डबल एन है, रेनिन है, निन, डबल एन वाला है, ठीक है, एंड रेनिन जो है वो यहां पे किडनी का होता है, तो ये डबल एन वाला है, तो ये कौन सिक्रेट कर रहा है, प्रोरेनिन, ठीक है, चीफ सेल्स, ध्यान में रखो, चीफ सेल्स, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहां पे आना चाहिए, रोहित ने सही सब सही आंसर दिया है, डी ऑप्शन आना चाहिए यहां पे, प्रोरेनिन सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स, चीफ सेल्स, ठीक है, अथर्व, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट, तुक्के मारो, यस, नीलोफार, सही बात है, चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्या, न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक है क्या, फ्रेंकिया हेटेरोट्रॉप है क्या, सिम्बायोटिक है क्या, एनेबाइना ऑटोट्रॉप ओनली सिम्बायोटिक है क्या, एजोटोबैक्टर हेटेरोट्रॉप सिम्बायोटिक, कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, चलो बताओ भैया, सही है क्या, तुक्के मार सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ऑनली सिम्बायोटिक है क्या, आने भाई ना, ऑनली सिम्बायोटिक नहीं है, ऑटोट्रॉपिक तो नहीं है, तो ये तो गया, राइजोबिया ऑटोट्रॉप सिम्बायोटिक, नो, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला, यहां पे क्या आना चाहिए, फ्रेंकिया हेटेरोट्रॉप एंड सिम्बायोटिक्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसने भी बी बोला है वो सही है, तो रोहित भैया सही है, बहुत लोग सही है, तो बी ऑप्शन यहां पे आना चाहिए, अलिंगन भाई साहब सही है, देवाशीष, नीलम, नीलोफार, वरलक्ष्मी, चलो नेक्स्ट, ऑल आर द फंक्शंस ऑफ कैल्शियम एक्सेप्ट, पूछा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, चलो आचल, यश, कमान, कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है कैल्शियम का, इजी है ना, ये तो इजी है, भारत ने सबसे पहले आंसर दिया है यहां पे, पोयम, अथर्व, मिनीमाटा, शिगमोय, अथर्व, सुमन, मोहिनी, सही बात है भैया, मिनीमाटा जी, उर्वी जी, सही बात है, श्रेयस, उन्मति, ठीक है, ऑल फंक्शंस ऑफ कैल्शियम एक्सेप्ट, एक्टिवेटर ऑफ द अल्कोहल डिहाइड्रेजेस होता है क्या, नो, इट इज नॉट एक्टिव, कौन सा होता है, अल्कोहल डिहाइड्रेजेस कौन करता है, जिंक करता है क्या, ठीक है, इट इज नॉट अ फंक्शन, अल्कोहल डिहाइड्रेजेस यहां पे सिंपल सी चीज है, चलो नेक्स्ट, जिंक करता है, नेक्स्ट, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डिसऑर्डर, तो भैया जब भी पेडिग्री चार्ट सॉल्व करने जाओ, जब भी पेडिग्री चार्ट सॉल्व करने जाओ, ठीक है, तो तुमको दो क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो यह कौन सा डिसऑर्डर होना चाहिए यहां पे बताओ, स्टडी द आइडेंटिफाई द रीजन, यहां पे बताओ, यहां पे मोस्टली यहां पे फीमेल तो अनइफेक्टेड आ रही है, मेल अफेक्टेड आ रहा है, तो ए अगर हो जाए यहां पे जो है वो, अगर ये ए ए हो जाए तो बोलो भैया कौन सा आना चाहिए, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ये तो पक्का हो गया ऑटोसोमल, ये तो पक्का हो गया, एक्स लिंक तो नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो और क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पे और आ रहा है, सब सिंपल सिंपल चीज है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होना चाहिए, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, यहां पे एक तो ये हो सकती है, ना तो नहीं भी हो सकती है कैरियर,
तो सिंपल सी चीज है यहां पे क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स, ध्यान में रखो। नेक्स्ट, डीएनए ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, दिस इज पॉसिबल मेनली ड्यू टू सिंगल सेल इनफ, जो है सिंगल सेल इनफ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। क्यों, वाई इनफ, मतलब सिंगल सेल से कितना कितना इतू सा तो डीएनए मिलेगा, इतू सा डीएनए इनफ है। क्यों, कौन से प्रोसेस के कारण पॉसिबल हुआ है कि इतू से डीएनए से भी हम बहुत जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या होना चाहिए यहां पे फिर, यस ड्यू टू द पॉलीमराइजेशन टेक्निक, पीसीआर टेक्निक के कारण। ठीक है, पीसीआर क्या करता है, छोटू से डीएनए मॉलिक्यूल को भी बहुत सारे कॉपीज बना देता है, तो बी ऑप्शन होना चाहिए भैया, कॉफी क्वालिटी क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्रैंज एनाटॉमी, इन अ क्रैंज एनाटॉमी बंडल शीट सेल्स क्या करती है बोलो, इन अ क्रैंज एनाटॉमी बंडल शीट सेल्स थिन वॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड लैक रुबिस्को, इजी एम्पलीफाई करती है एब्सोल्युटली। इन क्रैंज एनाटॉमी बंडल शीट सेल्स हैव थिन वॉल्स हैव अ इंटरसेलुलर स्पेसेस हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या रुबिस्को, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। यस मिनीमाटा, दैविक, बोलो किसने सही दिया, सईद महक, सईद सईद महक महक रिजवी जी, संजना गनू, झांसी आंचल, शिगमोई, उर्वी, उन्मति, सुमन, मिनीमाटा। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं बंडल शीट सेल्स में, क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन वाले सारे करेक्ट है भैया। ठीक है रोहित, सी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट, इन अ सी फोर प्लांट सीओ टू एक्सेप्टिंग एंजाइम कौन सा होता है, इन अ सी फोर प्लांट सीओ टू एक्सेप्टिंग एंजाइम, कम ऑन गाइज, इजी एमसीक्यू, CO2 accepting, ये काफी क्वालिटी क्वेश्चन है, थीन नहीं थीक बॉल होती, ये काफी क्वालिटी क्वेश्चन है, CO2 accepting enzymes, ऐ है वरलक्ष्मी, रिया, सुमन, देन उमा देवी, तिरुपति तिरुपति, देवासीज, गनु, अनिकेत, नीलोफार, उर्वी, मिनीमाटा, यहां पे डी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन भैया, दोनों में प्रेजेंट है ना, बंडल शीट सेल में भी प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल में भी प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, CO2 एक्सेप्टर दोनों में होता है, इजी है। यश, भारत, एब्सोल्युटली है कि नहीं, प्रिया, नाना, वेरी गुड, क्वालिटी क्वेश्चन भैया, लाइक तो बनता है, जिसने भी लाइक नहीं किया अभी अभी लाइक कर देने का, ठीक है एकदम सब्सक्राइब कर देने का, नए होते चैनल को, क्वालिटी क्वेश्चन के लिए दोनों में प्रेजेंट होता है CO2 एक्सेप्टिंग एंजाइम। नेक्स्ट, द हार्मोन विच इज नॉट इन्वॉल्व इन अ पार्चुरेशन, नॉट इन्वॉल्व इन अ पार्चुरेशन, कम ऑन गाइस, द हार्मोन विच इज नॉट इन्वॉल्व इन अ पार्चुरेशन, तुक्का लग रहा है तुक्के। चलो भंडारी जी, भंडारी जी बताइए, प्रवीण जी, भंडारी जी, स्नेहल कोई जी, द हार्मोन विच नॉट इन्वॉल्व इन द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन में उसका कोई भी रोल नहीं होता है भैया, प्रोजेस्टेरॉन का कोई भी रोल नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन का पार्चुरेशन में कोई भी रोल नहीं है, ध्यान में रखो, द डी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉर्टिसोल होता है इन्फ्लामेशन कम करने के लिए वहां पे, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रिस्टिस पेट्रोफाइलम पेट्रोपस ऑक्टोपस सैक्यूग्लासस, तो ये एनिमल किंगडम का सवाल है, एनिमल किंगडम से सबसे ज्यादा मैच द पेयर आते हैं, लास्ट ईयर भी एनिमल किंगडम से ही सबसे ज्यादा मैच द पेयर आए थे, तो बतिया भैया बता दीजिए, प्रिस्टिस पेट्रोफाइलम पेट्रोपस ऑक्टोपस सैक्यूग्लासस, लगाइए मैच द पेयर लगाइए भैया, गलत तो होना ही नहीं चाहिए, गलत तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, क्या बात है, संजना, अथर्व, सुमन, क्या बात है, उमा देवी, थिलुप्रति, शुभांकर मिश्रा जी, क्या बात है, उन्नति, वेरी गुड बेटा, देवाशीष, आंचल, आदित्य। ठीक है, प्रिस्टिस कहां पे होता है, प्लैकॉइड सेल्स होते हैं, प्रिस्टिस में प्लैकॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन कट गया, यहां पे ये कट गया, देन पेट्रोफाइलम ऑपरकुलम होता है पेट्रोफाइलम में, देन पेट्रोपस, ठीक है पेट्रोपस यहां पे तुमको मालूम है, पिन्नी यहां पे आ जाएगा, ऑक्टोपस में क्या होता है रेडुल्ला, एंड सैक्यूग्लासस में क्या होता है स्टोमोकॉर्ड, ठीक है स्टोमोकॉर्ड होता है, तो भैया बी ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान में रखो, ई से ही आ जाएगा यार, सैक्यूग्लासस में स्टोमोकॉर्ड आना चाहिए, तो सही बात है, ई का फोर तो एक ही ऑप्शन में दिया है, ई का फोर एक ही ऑप्शन में, ई से ही आंसर आता है, क्या बात, कितने टैलेंटेड बच्चे भैया आपने। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अकर इन अ माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन पाइरूवेट, काफी क्वालिटी क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बताओ, हाउ मेनी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन फॉर वन पायरुवेट, एक पायरुवेट के लिए कितना होता है, रट्टा मारा है, पहले से याद है, तनु, नीलोफार, सुमन, सईद,
प्रवीण काम, क्या बात है, बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं बच्चे। मोहिनी, वेरी गुड, ये हमने ऑलरेडी किया है एक बार। आदित्य, वरलक्ष्मी, रिया, नाना, क्या बात है, अथर्व, स्नेहल, सहाना, आंचल, रिया, यस, प्रवीण, प्रिया, कम, सही बात है। थ्री, 3 बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है भैया, 3 बार होता है, ध्यान में रखो, 3 बार होता है। एंड देन यहाँ पे वन पायरुवेट के लिए 3 बार होता है, तो ये ध्यान में रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, 3 बार होता है वन पायरुवेट मॉलिक्यूल के लिए। नेक्स्ट, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन ईटीएस इन माइटोकॉन्ड्रिया, बताओ, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन ईटीएस इन माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, बोलो, इजी क्वेश्चन, कौन से मोबाइल, जी बोलिए मिनी माटा जी, सही बात है, ये तो इजी है, ये तो सबको आना चाहिए, ये साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी इज ईटीएस में इलेक्ट्रॉन बैरियर्स होता है भैया, सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फ्रेश वाटर स्पॉन्जा, कितना मस्त क्वालिटी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फ्रेश वाटर स्पॉन्जा ऑफ द फॉलोइंग, फ्रेश वाटर स्पॉन्जा ऑफ द फॉलोइंग बताओ, आइडेंटिफाई द फ्रेश वाटर स्पॉन्जा ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्जा, बात है, यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए, राइट आंसर इज सी, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ध्यान में रखो भैया, काफी इजी, नीलोफार, यस एब्सोल्युटली बेटा, एब्सोल्युटली। चलो नेक्स्ट, ये तो बाथ स्पॉन्ज है ना, ये तो बाथ स्पॉन्ज है, ये बाथ स्पॉन्ज है बेटा, चलो स्पॉन्जिला होना चाहिए, यस सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से गलत कौन सा है ये बताओ, एकदम मस्त क्वालिटी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चंस आपने हो चुके, इसके बाद आप जोक सुनेंगे। चलो, सी वॉलनट्स एग्जिबिट बायोल्यूमिनेंस, सी एनमोनीज एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन इन द एक्सटर्नल इज द सी आर्किन्स, एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अब्सेंट इन द सी कुकुम्बर्स, बताओ, बताइए, इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा, गलत गलत। मोहम्मद सकीब ने सही आंसर दिया, शिंगमय, आदित्य, नीलोफार, श्रेयस, संजना, उमिदेवी, आदित्य, वेरी गुड, अथर्व, देवासिस, क्रिएटिव टुडे, अचल, मिनीमाटा, ठीक है। सी एनमोनीज में मेटाजेनेसिस नहीं होता है, इट्स अ रॉन्ग, सी एनमोनी में मेटाजेनेसिस नहीं होता है भैया, हमको मालूम है किस में होता है, ओबेलिया में होता है, यस मिनीमाटा, वेरी गुड, ओबेलिया में होता है भैया, ओबेलिया, ठीक है, किसने क्या किया, ओबेलिया, ओबेलिया, ठीक है, बाकी सब सही दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट, वीवी प्योरिटी टोटली ऑप्शन नहीं, अभी 50 क्वेश्चन हो चुके भैया, खुद के लिए टालिया, एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, थोड़ा जोक सुनते चिल कर दे थोड़ा सा, ठीक है, डेली होती है बेटा नीलोफार 9 PM, चिल करते हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए भैया, टालिया, खुद के लिए टालिया, 50 क्वेश्चन का आंकड़ा आज का पार हो गया अपना, एंड लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। वीवीपुरिटी इज टोटली एब्सेंट इन, किसमें वीवीपुरिटी इज टोटली एब्सेंट होता है बताओ, वीवीपुरिटी इज टोटली एब्सेंट इन। चलो बैक टू द 50 क्वेश्चन, बाकी है अभी भी, लाइक करो, लाइक नहीं किया है तो भैया शेयर करो दोस्तों के साथ, क्वालिटी क्वेश्चन। चलो, वीवीपुरिटी इज टोटली एब्सेंट इन, एबिवियंस, एव्स, रेप्टाइल्स, बोनी फिशेस, टोटली एब्सेंट किसमें होता है, एव्स में होता है, बर्ड्स में, कौन सा भी बर्ड देखो, सारे के सारे जो है वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, सारे के सारे बर्ड्स अंडे देते हैं, कौन सा बर्ड को देखा है तुमने, स्पैरो ने स्पैरो को जन्म दिया है, क्रो ने क्रो को जन्म दिया है, ऐसा कभी देखा है, काइट ने काइट को जन्म दिया है, ऐसा कभी होता नहीं है, तो वी प्रोड्यूस टोटली एब्सेंट इन द बर्ड्स। नेक्स्ट, हार्मोन विच डिले सिनेसेंस, दूर करता है सिनेसेंस को, कौन सा हार्मोन है बता दीजिए, हार्मोन्स विच डिले सिनेसेंस, क्वालिटी क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, हार्मोन विच डिले सिनेसेंस, ठीक है, कौन सा हार्मोन डिलीशंस करता है बेटा, सारे के सारे नहीं करते, तुक्के मारना बंद करो, सारे के सारे नहीं करते, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन जो है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन जो है, ठीक है, साइटोकाइनिन जो है, ठीक है, ये जो है क्या करते, ये जो है वो डिले सिनेसेंस करते, सिनेसेंस को दूर भगाते, जी एन सी के, ठीक है, जी ए सी के, डिले करते सिनेसेंस को, ध्यान में रखो, ठीक है, ये नीट में आ सकता है, डिले सिनेसेंस वाले जी एन सी के आता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन कैन बी बायोएसाइड बाय ऑक्सीजन, ये PYQ है, ये काफी इंपॉर्टेंट PYQ है, ये एम्स में आया है, ठीक है, ये AIPMT में भी आया है, नीट में भी आया है, ठीक है, ऑक्सीजन कैन बी बायोएसिड बाय, कौन से टेस्ट से तुमको ऑक्सीजन का प्रेजेंस का पता चलता है, काफी इजी, कम ऑन गाइस, काफी इजी, ठीक है,
तो भैया सिंपल सी चीज है, ऑक्सिन कैन बी बायोसाइड बाय अवीना कर्वेचर टेस्ट, ठीक है, अवीना कर्वेचर टेस्ट है, तुम निकाल सकते हो भैया काफी इजी, ठीक है, ऑक्सिन कैन बी बायोसाइड बाय अवीना कर्वेचर टेस्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, गलत मैच इसमें से कौन सा है बताओ बताओ, इनकरेक्टली मैच, राइजोम जिंजर, लीफ बर्ड्स वाटर हाइसिंथ, बल्बिल अगेव या कोनिडिया पेनिसिलम, बताओ कौन सा होना चाहिए. इजी है तो भैया लीफ बर्ड्स वाटर हाइसिंथ में नहीं होते, लीफ बर्ड्स वाटर हाइसिंथ में प्रेजेंट नहीं होते, तो यहां पे ऑप्शन क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन आना चाहिए इसका. चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है फाइंड आउट करो. पॉन्स वेरिली कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम इंट्रीगेट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनल्स ऑफ द ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम कंसर्न विद द ऑल्फैक्शन मोटिवेशन ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज, सेरेबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, बताओ इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है. इजी है सुमन, चलो नाइक जी मिनीमाटा जी बोल रही है सेरेबेलम इज अ पार्ट इज नॉट अ पार्ट, ये पार्ट है बेटा, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, तो इट्स अ पार्ट, ये सही है, सही है ये. लिम्बिक सिस्टम ऑल्फैक्शन मोटिवेशन ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज, सही बात है, ठीक है, ये भी सही है. सेरेब्रम इंटरग्रेट करता है सेमी सर्कुलर कैनल्स ऑफ द ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम से, ठीक है, सेरेब्रम करता है क्या, नहीं सेरेब्रम का काम ही नहीं है वो, टेम्पोरल लोब यहां पे आता है, टेम्पोरल का लोब का काम होता है वो, ठीक है, तो यहां पे क्या आना चाहिए भैया, बी ऑप्शन आना चाहिए, ध्यान में रखो बी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है. चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द मियोसाइट ऑफ द ऑनियन, ये भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है ये एआईपीएमडी का, ठीक है, बताओ हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द मियोसाइट ऑफ द ऑनियन, ऑनियन 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 बोलो, इजी ऑनियन, कितने होते हैं ऑनियन में, अरे क्वेश्चन देखो काफी क्वालिटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार, काफी क्वालिटी, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सर यू आर ऑल 100,000 एमसीक्यूज आर सफिशियंट फॉर नीट, यस इट्स मोर देन सफिशियंट सृष्टि, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, अरे 16 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं क्या, सेट्स तो दो ही रहेंगे ना, नीलम ने सही बोला है, भारत ने सही बोला, सेट्स कितने रहेंगे, सेट्स तो दो ही रहेंगे ना हमेशा, 2n ही कंडीशन है, 2n कंडीशन, मियोसाइट है, मियोसाइट कैसी होती 2n, क्वालिटी क्यों हिला डाला ना, हिला डाला ना, क्वालिटी क्वेश्चंस, लाइक तो बनता है, लाइक नहीं किया तो हिला डाला ना, 2n कंडीशन है, हाउ मेनी सेट्स, ठीक है, डी ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखो हाउ मेनी सेट्स डिप्लॉयड होता है. नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉस ब्रिज साइकिल, क्रॉस ब्रिज साइकिल, ठीक है, किसमें होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, ठीक है, कैसा होता है बताओ, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, बाइंडिंग ऑफ एटीपी टू द मायोसिन हेड, स्लाइडिंग और रोटेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज एंड एटीपी हाइड्रोलिसिस, ये कैसे होता है, किस हिसाब से होता है बताओ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के कारण, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होने के कारण फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होता है, ध्यान में रखो, एटीपी का ब्रेकडाउन एडीपी इनटू आईपी होने के कारण यहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होता है, तो शुरुआत ई से होनी चाहिए, ठीक है, एंड देन यहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा, उसके बाद क्या होगा, रोटेशन होगा, स्लाइडिंग होगा, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन में ऐसा रोटेशन स्लाइडिंग, तो सी डी ऑप्शन होना चाहिए यहां पे, ठीक है, देन बाइंडिंग ऑफ एटीपी टू द मायोसिन हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, एटीपी जब बाइंड होता है मायोसिन से तो यहां पे क्रॉस ब्रिज ब्रेक होता है, तो सी ऑप्शन आना चाहिए, ध्यान में रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना, ये नीट में आ सकता है, ठीक है, सी ऑप्शन यहां पे होना चाहिए. नेक्स्ट, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट अमंग द फॉलोइंग आर, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट, इजी है, लगा दो ये, तुम आराम से आंसर कर लोगे, एकदम क्वेश्चन देखते आंसर आना चाहिए, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स कौन से होते, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन, इजी क्वालिटी क्वेश्चन, लाइक तो बनता है भैया, ठीक है, ये तो काफी बुक में दिया है, ये तो आना ही चाहिए किसी भी हाल में. इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, युक्का, सेल्वियस, फाइकस, बहुत लोगों ने सही दिया, सईद, रिजवी, वरलक्ष्मी, विवेक, उर्वी, मिनीमाटा, गायत्री, भारत, नजीन, गीता, स्नेहा, शिंगमॉय, रिया, मनु, रोहित, क्या बात है भैया, नीलोफार्श, सही बात, ए ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया रिकमेंडेड परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट पावर फॉर प्लेन्स एंड हिल्स इन,
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई बताओ? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP, ये अभी बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, तुक्का मार सकते हो। करेक्ट है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? 1988 में आई भैया, 1988 में, ध्यान में रखो यहां पे फॉरेस्ट पॉलिसी आई है। काफी क्वालिटी क्वेश्चन ही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट, प्लॉयडी लेयर ऑफ आर्चिस्पोरियम ऑफ द सेल इन अ न्यूसेलस, इजी है, आर्चिस्पोरियम न्यूसेलस में जो सेल्स होती है उसकी प्लॉयडी लेवल क्या होती है? इजी है बालाजी, वेरी गुड बेटा, बोलो 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 बोलो, इजी क्वेश्चन, प्लॉयडी लेवल ऑफ आर्चिस्पोरियम इन द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। महक 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 बोलो, स्नेहल यस एब्सोल्युटली, देवाशीष भारत, वरलक्ष्मी, मोहिनी, उर्वी, आंचल, ठीक है। प्लॉयडी लेवल हमेशा जो न्यूसेलस की सेल्स होती है आर्चिस्पोरियम होगी, उनकी कैसी होंगी? डिप्लॉयड होगी, ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन, क्वालिटी भैया, लाइक तो बनता है। चलो नेक्स्ट, गॉस प्रिंसिपल किससे रिलेटेड होता है? गॉस प्रिंसिपल बोलो, व्हाट इज गॉस प्रिंसिपल एंड किससे रिलेटेड होता है? गॉस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, इजी क्वेश्चन, बोलो बोलो, गॉस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, ठीक है, गॉस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द कॉम्पिटिशन बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फॉर द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज होती है तो कॉम्पिटिशन बिटवीन द क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होता है, एंड दैट इज द गॉस प्रिंसिपल, ध्यान में रखो भैया। गॉस भैया ने बोला था, गॉस ने बोला था कॉज क्या है, किसका? कॉम्पिटिशन का, बिटवीन द क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, तो ये ध्यान में रखना है। गॉस ने बोला था कॉज किसका? कॉम्पिटिशन का, बिटवीन द क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। चलो, हाउ मेनी ऑफ द टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर पॉसिबल, अभी ये तो आना ही चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो बैंगन हो तुम, अगर ये नहीं आ रहा है तो बैंगन हो तुम। कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर पॉसिबल? कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ई, तो जब भी इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? टू टू द पावर एन फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ हेटेरोगैमेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ हेटेरोजीनस एलील्स, ठीक है, एलील्स, तो कितने यहां पे? वन टू थ्री, तो यहां पे एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा, ठीक है, तो टू टू द पावर थ्री आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? एट, सो सी ऑप्शन, जिन्होंने भी सी बोला है वो सही है भैया, सारे के सारे सही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेटेरोजीनस एलील्स वहां पे आ जाता है, टू टू द पावर एन इसका फॉर्मूला आता है, ध्यान में रखो, ठीक है, ये ट्रिक हमेशा इस्तेमाल करना, जेनेटिक्स के एमसीक्यू में काम आएगी, टू टू द पावर एन, है कि नहीं, एकदम ट्रिक के साथ बता रहे भैया, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। चलो नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हाउ मेनी आर रिलेटेड टू द ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बताओ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होते हैं डॉक्टर स्नेहा वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बताओ ऑस्ट्रेलोपिथेकस से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है? दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस होके वो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में रहे थे क्या? ठीक है, दे वेयर हेरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज, दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स, दे प्रोबेबली मीट ईटिंग एंड दे वेयर द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स एंड दे वॉक्ड अपराइट, हाउ मेनी आर रिलेटेड टू द ऑस्ट्रेलोपिथेकस? तो ईस्ट अफ्रीकन ग्राफ वाला सही है, ठीक है, और एक कौन सा सही है? स्टोन वेपन्स, ठीक है, स्टोन वेपन्स, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तो यहां पे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट आने चाहिए, दो स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, ठीक है, दो स्टेटमेंट ध्यान में रखो, चिंपैंजीज, यस। नेक्स्ट, हाउ मेनी एलील्स आर प्रेजेंट इन अ 2n सेल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, कितने अलील्स प्रेजेंट? ये भी काफी क्वालिटी क्वेश्चन है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसको ही आएगा, ठीक है। एक डिप्लॉयड सेल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, उसमें कितने अलील्स होते हैं? हाउ मेनी अलील्स इन अ वन वन सेल जो डिप्लॉयड है ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप? ये जो सही आंसर देगा उसको शाउट आउट है, जो इसका सही आंसर देगा उसको शाउट आउट है, जो इसका सही आंसर देगा, शे शे, सबसे पहला बंदा शे, दूसरा देवाशीष है, तीसरा अथर्व है, ठीक है, ये क्वालिटी बंदे हैं, इनकी कंसेप्ट बहुत क्लियर है, ठीक है, इनकी कंसेप्ट बहुत क्लियर है। सविता करेक्ट है भैया, सईद महक करेक्ट है, क्वालिटी क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन तुमको कहीं नहीं मिलेंगे जो तुम्हारी पूरी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तो डेली 9 PM यहीं पे आना है, क्योंकि मैं क्लियर करा रहा हूं कंसेप्ट बेटा। एक सेल में अलील्स हमेशा
दो ही रहते हैं, दो ही रहते हैं, एक में हमेशा दो ही एलील्स रहते हैं। मतलब अभी तुमको मैं एग्जांपल बताऊं तो ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन सा लिया तुमने, ए लिया, ब्लड ग्रुप ए लिया, तो इसमें आइदर आई ए होगा और इसमें आइदर आई ए या आई जीरो होगा, ठीक है, दो ही होंगे। ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ है क्या, आई ओ आई आई ए आई ओ आई, ऐसा कभी हुआ है, तीन आए कभी? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स, लेकिन हमेशा एक सेल में कितने रहते हैं, दो ही रहते हैं। ठीक है, यस नाजरीन महक, कम ऑन, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम? इजी है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉम्पिटिशन, ठीक है, ठीक है। इन एंड मल्टीपल अलील्स कहां पे होता है? हमेशा पॉपुलेशन में होता है, पॉपुलेशन स्टडी में ही मल्टीपल अलील्स होते हैं। यस उर्वी, ध्यान में रखो, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम? बताओ फंक्शनल एस्पेक्ट, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कंसेप्ट क्लियर करा रहे हम। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम कंसिडर्ड एज अ स्पीसीज कंपोजिशन, स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्ट्रेटिफिकेशन या डिकम्पोजिशन? क्या बात है, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन इज अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम, बाकी ये जो है वो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ द जीन टू हैव अ मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट इज नोन एज, इजी एमसीक्यू, मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट है तो उस जीन को क्या बोलेंगे? यस तेजीब, कम ऑन बताओ, रविंद्र, कम ऑन सविता, कम ऑन गाइस, मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? अथर्व वरलक्ष्मी ने सबसे पहले आंसर किया, क्या बात है, मोहिनी देवाशीष, ठीक है, विचित्र दुनिया, सही बात है भैया, छिन्मन ऐश्वर्या जी, सही बात है, ठीक है, क्या आना चाहिए, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट किसमें होते हैं, प्लियोट्रॉपी में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सर्कुलेशन इन द कॉकरोच आर, कौन सा मसल जो है ब्लड सर्कुलेशन कराता है, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बोलो, इजी इजी इजी, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं अभी, कम ऑन पीपल फास्ट, ठीक है, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, और फास्ट एकदम क्वालिटी क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज। कौन से मसल रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लड सर्कुलेशन, इजी एमसीक्यू, अथर्व देवाशीष भारत, सही बात है, शे स्नेहल आयुषी रोहित, ठीक है, अलेरी मसल्स, अलेरी मसल जो है वो कॉकरोच के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, नीलोफार, सही बात है, रविंद्र जी सही बात है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी टिश्यू फाउंड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन, बताओ, इन ह्यूमन बॉडी टिश्यू फाउंड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन के डर्मिस में फाइंड आउट होते हैं कौन से, बताओ, इजी, डर्मिस ऑफ द स्किन, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, पता नहीं लगता है और मेरा नेट खत्म हो गया, अरे क्या हो गया मनु जी। संजना ने सबसे पहले आंसर दिया और सही आंसर दिया, नाजरीन इज ऑल्सो वन विद द करेक्ट आंसर, ठीक है, डर्मिस ऑफ द स्किन में यहां पे तुमको इरेगुलर डेंस फाइबरस टिश्यू मिलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखो ये, ठीक है, एंड सबसे ऊपर का लेयर जो होता है वो इपिथेलियल का होता है, डर्मिस मतलब थोड़ा सा अंदर का लेयर होता है, ठीक है, तो ध्यान में रखो, इपिथेलियल इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग में होता है, तो सी ऑप्शन आना चाहिए इसका, इरेगुलर डेंस फाइबरस टिश्यू डर्मिस ऑफ द स्किन में। स्प्लाइसिंग ऑकर्स इन द सेल्स ऑफ, मस्त एमसीक्यू है, कम ऑन, स्प्लाइसिंग ऑकर्स इन द सेल्स ऑफ, ठीक है, स्प्लाइसिंग किसमें होता है, यूकैरियोटिक में होता है या प्रोकैरियोटिक में होता है, काफी क्वालिटी क्वेश्चन है। स्प्लाइसिंग इसमें होता है जिसमें हम यहां पे इंट्रॉन्स निकाल देते हैं, तो यूकैरियोटिक में होता है या प्रोकैरियोटिक में होता है स्प्लाइसिंग, कम ऑन गाइस, एकदम क्वालिटी क्वेश्चन, ये तुम्हारी नॉलेज टेस्ट कर रहा है, ये तुम्हारी जो है वो एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यूकैरियोट्स में होता है तो मुझे बता, माइकोप्लाज्मा इज यूकैरियोट हो गया, नहीं, नॉस्टोक इज यूकैरियोट हो गया, नहीं, एनेबाइना इज यूकैरियोट हो गया, नहीं, कौन है यूकैरियोटिक यहां पे, सविता जी सही कहा आपने, ठीक है, कौन है यहां पे, कैलामिडोमनास, तो यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे सी ऑप्शन आना चाहिए, कैलामिडोमनास, नाजरीन सही बात है, श्रेयस गीता, ठीक है, सही बात है, सी ऑप्शन आना चाहिए, स्प्लाइसिंग, यस आयुषी शिंगमोई भारत, वेरी गुड, चिन्मन ऐश्वर्या मानसी स्नेहल, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए, डीएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता, कम ऑन, लास्ट के 30 एमसीक्यू जल्दी जल्दी करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए, कम ऑन गाइस, डीएनए में क्या नहीं होता है, ये तो बच्चों वाला एमसीक्यू है भैया, छोटे बच्चे हो गया, छोटे बच्चे हो गया, बता दो, डी ऑप्शन, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, पेप्टाइड बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द पर्टेनिंग टू द फ्रॉग,
अभी मैंने फ्रॉग भी पढ़ा है, मैंने अर्थवर्म भी पढ़ा है, उसका एक वीडियो आपको दिखेगा, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लाइंस की सीरीज है, ठीक है, वो देख लेना एक बार। अर्थवर्म और फॉग के सारे एमसीक्यू पॉइंट उसमें कवर हो जाएंगे, लेकिन इसमें से अभी आइडेंटिफाई द सही स्टेटमेंट बता दो अभी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब ये मालूम नहीं होगा किसी को, बिडर्स कैनल्स, ठीक है, बिडर कैनल्स इज प्रेजेंट इन द किडनी ऑफ द मेल फ्रॉग। बिडर्स कैनल कहां पे प्रेजेंट होती है? मेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और मेल फ्रॉग के किडनी में प्रेजेंट होती है बिडर्स कैनल्स, ध्यान में रखना। बिडर कैनल इज रेजिडेंट टू, ठीक है, मेल फ्रॉग, ठीक है, मेंढक, मेल मेंढक के इसमें होती है किडनी में। चलो, इन मेघालय लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन प्लांट्स आर प्रेजेंट इन, बताओ मेघालय कौन है? मेघालय से कोई है क्या यहां पे? आसाम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट वाला कोई है क्या? लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड इन, किसमें? मेघालय में, बताओ कहां पे? यश मेहरा ने सबसे पहले आंसर किया, देवाशीष, संजना, अथर्व, वेरी गुड यार बच्चों, क्या बात है, मोहिनी, उर्वी, यस, वरलक्ष्मी, क्या बात है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? खासी एंड जैनेटिया हिल्स, ठीक है, खासी एंड जैनेटिया हिल्स, ठीक है, रेयर एंड थ्रेटन प्लांट जो है वो खासी एंड जैनेटिया हिल्स में, मेघालय में तुमको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, चलो भैया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहांसेस द इंड्यूशन, इंड्यूसेस द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, इनहांस करता है और इंड्यूसेस द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कौन कराता है? कम ऑन, ये भी टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कौन कराता है? शिलोंग से हो, क्या बात है, क्या बात है यार, शिंगमोय, वेरी गुड, शिलोंग से है हमने पास आज डिफॉल्टर, क्या बात है बेटा। टेलीग्राम ग्रुप सारे ने ज्वाइन करना है, ठीक है, मेरे से कनेक्ट हो जाओ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सारे बच्चों ने मेरे से जुड़ना है, कोई भी डाउट है तो पूछना है, मेरा पर्सनल आईडी है वहां पे, तो कभी भी पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम का नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना है, डॉक्टर शुभम मोरे इज माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल क्या कराता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कराता है, बहुत लोग सही है। चलो नेक्स्ट, पूसा आई फोर वैरायटी रेजिस्टेंट टू शूट एंड फ्रूट बोरर इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा आई फोर, कम ऑन गाइस, पूसा आई फोर इज अ वैरायटी ऑफ, ठीक है, तो जिनको मालूम नहीं होगा उनको बता देता हूं, पूसा आई फोर इज अ वैरायटी ऑफ ओकरा, भेंडी, अरे भेंडी समझे क्या, भेंडी, पूसा ए फोर है भेंडी का वैरायटी। चलो यस, मेहरा जी, अथर्व, अनी, एनी, सही बात है, पाटिल जी, क्या बात है, क्या बात है, शिंगमोय, आंचल, नाजरीन, यस, वरलक्ष्मी, संजना, चलो नेक्स्ट, ऋतुजा, द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन सिंथेसाइज यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प्स इन अ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, बताओ हेल्प्स इन अ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन किसके यूज में होता है? अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन किसके इस्तेमाल में होता है बताओ? अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, बेंडी मतलब लेडीज फिंगर, नीलोफर, ठीक है, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन किसके इस्तेमाल में करते हैं भैया? क्या बात है भैया, जनता आज की बहुत होशियार है, ऐसे बच्चे चाहिए, ब्राइट बच्चे, एकदम देखते आंसर आ जाता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को क्लिक करना है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, तो जिनको मालूम नहीं उनको बता दिया। चलो नेक्स्ट, इन ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंडिकेट कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, चलो बताओ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कौन सा, यहां पे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहा है? चलो कम ऑन गाइस, काफी इजी, जल्दी जल्दी करो, यस, अथर्व, पाटिल जी कह रहे फोर, नहीं यहां पे लीमर एंड स्पॉटेड कसकस, लीमर एंड स्पॉटेड कसकस यहां पे तुमको जो है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, ठीक है, बहुत लोगों का सही है, मोहिनी, नोलियोफोर, नीलोफार, अथर्व, ठीक है, संजना, ध्यान में रखो। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए, कम ऑन क्या होता है? जल्दी जल्दी रैपिडली करते हैं, बीसी एमसीक्यूज बचे हैं, जल्दी जल्दी, सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए कौन सा होगा? यस, बहुत बच्चे, नरेश गुर्जर, आंचल, या संजना, ऋतुजा, मानसी, प्रजापति, आज डिफॉल्टर, फंगाई, सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए कौन सा होता है? फंगाई होता है, ठीक है। और ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज है 1000 एमसीक्यू की, इसमें से ही 90% उनको नीट में क्वेश्चन मिलेंगे, जो बच्चे डेली आ रहे हैं ना उनको गारंटेड फायदा होगा, दिख के ले लो मेरे से। नेक्स्ट, आफ्टर द सीवियस ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रिलीज इन टू द नेचुरल बॉडी, वाटर बॉडी, बताओ, आफ्टर द सीवियस ट्रीटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रिलीज इन टू द नेचुरल वाटर बॉडी, कम ऑन, किसको डाला जाता है बाहर? प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट से जो इफ्लुएंट आता है या सेकेंडरी से जो आता है? इजी एमसीक्यू, ठीक है, सेकेंडरी से जो आता है, ठीक है, इफ्लुएंट सेकेंडरी से जो आता है उसको जो है वो यहां पे नेचुरल बॉडी में डाला जाता है भैया, ध्यान में रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका बता दो, स्क्रबर, डीडीटी, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, पॉलीब्लेंड, चलो 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 चलो, 79
बता दीजिए इसका क्या आना चाहिए। स्क्रबर, सल्फर, स्क्रबर क्या निकालता है? सल्फर डाइऑक्साइड। स्क्रबर किसके लिए होता है? SO2 के लिए होता है भैया। तो A का 2 किस में दिया है? दो ऑप्शन में दिया है, तो ये दोनों तो कट हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद DDT क्या करता है? बायो मैग्निफिकेशन करता है, DDT बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, 3 आ जाएगा। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स क्या करते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड पॉलीब्लेंट प्लास्टिक वेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? बी ऑप्शन। क्या बात है भैया, क्वालिटी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन एनिमल हस्बेंड्री साइज ऑफ द हर्ड कैन बी इंक्रीज इन अ शॉर्ट पीरियड बाय टाइम। मतलब छोटे समय में एकदम से बहुत सारे कैटल, बहुत सारे बैल, बहुत सारे मुर्गियां, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम किस मेथड से ये कर सकते हैं? एक ही साथ बहुत सारे कैटल बढ़ाना, काफी इजी, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। बताइए भैया कौन से मेथड से कर सकते हैं अपन? अथर्व, यश मेहरा, सही बात है भैया, क्या बात है बच्चों। मोहिनी, मोहिनी, यस, पाटिल, अथर्व, उर्वी, नाजरी, यस, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, MOET टेक्निक यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड उसके जरिए हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम में हर्ड साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज डैश डैश मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। कौन सी मेथड है? लास्ट के 20 MCQ, चलो जल्दी जल्दी, ठीक है, यस, बताओ। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज अ केमिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड मैकेनिकल, या ऑल ऑफ द अबो। टिपिकल NCERT लाइन टू लाइन है, एंड यहाँ पे तुमको मिलेगा ऑल ऑफ द अबो आंसर, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट केमिकल है, कल्चरल है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल एंड मैकेनिकल, सारे मेथड्स यहाँ पे तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या हो गया भारत, 20 MCQ बचे, करके जाओ। नेक्स्ट, एन एंजाइम कैटलाइजिंग रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द DNA, एंड्स ऑफ द DNA, न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक कर रहा है फ्रॉम द एंड्स ऑफ द DNA, कौन सा होगा? इजी, एंड से कर रहा है, यस, 360 टारगेट, 360 अपना 360 टारगेट है, डेली डेली 100 MCQs होते हैं, ठीक है, यस, अखिल अखिल, यस अखिल, यस देसवारी, अखिल देसवारी, अथर्व, गीता, वेरी गुड बेटा, नीलोफार, नाजरीन, मंदीप मैंडी, ऋतुजा, डिफॉल्टर, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है, एंड से निकालते हैं तो एक्सोन्यूक्लियस, बीच में से निकालते हैं तो एंडोन्यूक्लियस, यस उर्वी, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम। एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल अटेंड करने वाले इसमें से बताओ, मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, मतलब जो प्राइमरी कॉर्नियोरस भी है और वो हर्बीवोरस भी है, तो कितने हैं इसमें से, ठीक है, बताओ भैया कितने हैं, ठीक है, जो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल करते हैं, तो होमो सेपियंस आ जाएगा उसमें, हम वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, ठीक है, यह सुदर्शन हो जाएगा, रिविजन कर दे रहे हो, लास्ट 10 दिन है अपने पास, ठीक है। देन एंटीलोप होगा क्या? पेरीप्लांटा अमेरिकाना होगा क्या? कॉकरोच एंड पिस्टाकुल्ला हो जाएगा भैया, तो भैया 3 ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, चलो काफी इजी। नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू द मीडियम लाइक वेक्टर लाइक वायरस सिस्टम एज, ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना थ्रू द बैक्टीरियोफेजेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? इजी है, यस इमरान जी, बताइए आंसर क्या होना चाहिए, यस सुलक्षणा ने सबसे आंसर बताया भैया, देवाशीष भी बता रही है, क्या बात है, अथर्व, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन बोलते हैं, ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। मोहिनी, वेरी गुड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूरी हेलाइन एनिमल्स ऑफ द फॉलोइंग, यूरी हेलाइन एनिमल्स, आइडेंटिफाई द यूरी हेलाइन एनिमल्स ऑफ द फॉलोइंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन पीपल, स्नेहल, यस, नीलोफार, संजना, सृष्टि, बिरादार, कम ऑन गाइस, आइडेंटिफाई द यूरी हेलाइन एनिमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, राम राम सौरभ, कम ऑन बताओ। कट्टा मतलब वो नहीं है, कट्टा मतलब इट्स अ मराठी वर्ड, वहां पे प्लेस, इट्स अ प्लेस वेयर ऑल ऑफ द फ्रेंड्स गैदर टुगेदर एंड दे शेयर देयर इन्फॉर्मेशन, दोस्तों का कट्टा होता है ना, जहां पे दोस्त लोग मिलते हैं, नॉलेज बांटते हैं, वैसा। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द यूरी हेलाइन एनिमल्स, कौन सा आ जाएगा भैया? सलमान, सलमान भाई नहीं, सलमान, सलमान इज अ फिश, सलमान भाई नहीं आएंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, DNA कैन बी विजुअलाइज किसके मदद से? एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। चलो लास्ट के 10 MCQs, DNA को हम एग्रोजेल के मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस में, बताओ, इजी MCQ, इजी इजी इजी, यस, जस्मीन कौर ने सबसे पहले आंसर दिया है। कट्टा मतलब प्लेस, चलो इथिडियम ब्रोमाइड भैया, इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से गलत कौन सा ये बताओ, चूज द इनकरेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, एनोनिमस, कम ऑन गाइस, एनोनिमस, सर आर यू हैव अ गर्लफ्रेंड,
नो नन ऑफ द अबो। चलो बताओ भैया, इनकरेक्ट मैच, गलत मैच, बीच में से बताओ। प्रो इंसुलिन सी पेप्टाइड होता है क्या उसमें? जी हाँ, सी पेप्टाइड होता है प्रो इंसुलिन में। रेट्रोवायरस जीन थेरेपी में यूज होते हैं क्या? जी हाँ, जीन थेरेपी में यूज होते हैं। ठीक है, पॉम्फ्रेट्स इडिबल ऑयस्टर है क्या? पॉम्फ्रेट मतलब ऑयस्टर होता है क्या? पॉम्फ्रेट मतलब ऑयस्टर होता है क्या? नहीं, इजी है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? सी ऑप्शन आ जाएगा। हैप्लो डिप्लॉयड ही होता है, हैप्पी सिंडिका में, हनी बी में हैप्लो डिप्लॉयड होता है। चल, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिसर्च एंड इंस्पेक्ट द सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये कौन कराता है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन को ऑब्जर्व करना, सेफ है क्या नहीं देखना, ये कौन सी कराती है? कम ऑन, यस राधे राधे, बताओ कौन सी सिस्टम कराती है? इजी, लास्ट 10 एमसीक्यूज, कम ऑन गाइस, जो शुरुआत से उनके लिए टालिया भैया, लास्ट 10 एमसीक्यूज करके जाना है अपने को। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीएसी करता है भैया, सौरभ चौहान जी, जयराम जी की। चलो नेक्स्ट, यस संजना वी पाटिल, सही बात है। चल नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, अरे भैया अटक गया है। हाँ नेक्स्ट, एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेस हेलुसिनेशन। भैया कोकेन लेने से हेलुसिनेशन आते हैं, एंड कोकेन एक्ट एज अ डिप्रेसेंट एंड इंड्यूसेस स्लीप। सही है क्या? कोकेन लेने से एकदम से भैया आदमी बाबा जी की बूढ़ी करने लगता है, एकदम सब बाबा जी की बूढ़ी। ठीक है चलो, रोज होती है क्लास 9 PM डेली डेली 9 PM बेटा तेजस। ठीक है, बाबा जी की बूटी सही है, स्टेटमेंट वन इज अ करेक्ट। ठीक है, हॉलुसिनेशन होता है लेकिन नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में हॉलुसिनेशन कैसे होगा? दोनों एकदम अपोजिट स्टेटमेंट है, तो सी ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है नेक्स्ट, एग्जामिन द सेडिमेंटरी साइकिल, आ जाएगा बेटा आ जाएगा, अभी टाइम नहीं आया अनिश लेकिन आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटरी साइकिल विद द रिजर्वायर लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट आर, बताओ। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटरी साइकिल क्या आना चाहिए बोलो? सेडिमेंटरी मतलब जमीन के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बोलो जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? टाइमिंग 9 PM सौरभ, 9 PM होता है डेली। चलो गुड इवनिंग बेटा अंशु। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटरी, जो लोग नए हैं भैया लाइक तो बनता है, लाइक करो यार, लास्ट की 10 MCQ कमो, जोश दिखाओ जरा। ठीक है, सब्सक्राइब करो नए हो तो। ठीक है, सल्फर एंड फॉस्फोरस, सेडिमेंटरी साइकिल में सल्फर एंड फॉस्फोरस आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलविन साइकिल इज अ मेजर पाथवे बाय विच शुगर्स आर सिंथेसाइज इन, किसमें? C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स या सारे प्लांट्स? कैलविन साइकिल किसमें होता है? कैलविन साइकिल किसमें होता है? काफी इजी एमसीक्यू, कम ऑन भाई। यस श्रेया, कम ऑन श्रेया, श्रेया अथर्व, नाजरीन, आयुषी, स्नेहल, देबासिस, सौरभ। ठीक है, पुणे से हूं मैं, आई एम फ्रॉम पुणे। C3, C4 प्लांट्स, कैम प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स में यहाँ पे C3 साइकिल होता है भैया, ध्यान में रखो, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अ प्रोकैरियोट विद द क्लोरोफिल ए एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। प्रोकैरियोटिक सेल है लेकिन क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कराता है, कौन है? इजी है, विनायक साला, बोटा विनायक बोला बराबर है, विनायक सफगत पहले सांगितले बेटा, तो क्या बात है विनायक, एकदम फॉर्म में चढ़ रहा है। इमरान, यस दयानंद, क्या बात है, अरे क्या होते पुण्यातल्या लोकांनी हात वर करा, महाराष्ट्रातल्या लोकांनी टाय वाजवत राहा, एकदा हातवरती करा महाराष्ट्रातले लोक। ठीक आहे चलो, एनेबायना प्रोकॅरियोट विथ द क्लोरोफिल ए एन ऑक्सिजेनिक फोटोसिंथेसिस, एनेबायना आ जाएगा। यस श्रेया, चलो नेक्स्ट, पोलन किट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स ऑफ, लास्ट 7 MCQs कर लो। पोलन किट इज प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स ऑफ, बताइए किसके पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट है पोलन किट, किसमें होता है? इजी है, यस शैलेंद्र प्रताप सिंह, बताइए सुप्रिया, जय महाराष्ट्र। चलो भैया विनायक, मोहिनी, श्रुति, ठीक है। अरे भैया एंटेमोफिलस फ्लावर्स में ही पोलन ग्रेन्स होंगे, एंटेमोफिलस फ्लावर्स, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ही होंगे, ठीक है, एनिमोफिलस में नहीं होंगे, ध्यान में रखो। ठीक है चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रिसेसिव ट्रेट्स इन द पी, कौन कौन से रिसेसिव ट्रेट्स है बताओ? रिसेसिव ट्रेट्स कौन थे? एक्सियल एंड व्हाइट फ्लावर्स डोमिनेंट है, ठीक है, इसमें एक्सियल, इनफ्लेटेड एंड येल्लो पार्ट्स डोमिनेंट है, येल्लो एंड रिंकल्स, येल्लो यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है, पेयर पूरी होनी चाहिए, येल्लो यहाँ पे डोमिनेंट, रिंकल्स इस तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, येल्लो एंड कंस्ट्रिक्टेड पॉट्स, ठीक है, यहाँ पे ये डोमिनेंट था, ठीक है, यहाँ पे ये डोमिनेंट था, तो येल्लो एंड कंस्ट्रिक्टेड पॉट्स यहाँ पे आ जाएगा, डी ऑप्शन, येल्लो एंड कंस्ट्रिक्टेड पॉट। ठीक है नेक्स्ट, बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द गोबर गैस प्रोडक्शन,
कम ऑन, बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द गोबर गैस प्रोडक्शन, कौन सा बैक्टीरिया? कम ऑन, बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द गोबर गैस, यस आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया होता है भैया गोबर गैस में, जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट, डीएनए मॉलिक्यूल इज, बताओ डीएनए मॉलिक्यूल कौन सा होता है? डीएनए मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक एंड नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोफिलिक एंड पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोफिलिक एंड नेगेटिवली चार्ज या हाइड्रोफोबिक एंड पॉजिटिव. कॉफी क्वालिटी क्वेश्चन. आम्मी पुनेरी, क्या बात है स्नेहल, चला सिलेक्शन होगा, करेंगे, करके दिखाएंगे भैया, डेली करेंगे, 1000 MCQs रिवाइज भी करा रहे हैं, बहुत कुछ मिलेगा तुमको इस चैनल पे कंटेंट, देख लेना, ठीक है. हाइड्रोफिलिक होता है बेटा, डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, पानी पसंद है उसको, हाइड्रोफिलिक होता है एंड नेगेटिवली चार्ज होता है, ये तो तुमको मालूम ही है कि नहीं. चलो नेक्स्ट, अ मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, एक आदमी है जिसने शादी कर ली, बर्बादी हो गई इसकी, शादी कर ली बर्बादी हो गई, विद अ वुमन विद अ ब्लड ग्रुप बी, मतलब आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, वुमन का बी है, तो उनके बेटे के पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगे? तो जब भी ये कंडीशन है ना, ए वाला बी से मैरी कर रहा है या बी वाला ए से मैरी कर रहा है, उसमें तुमको बता दो बेटा 100% सारे ग्रुप आ जाएंगे, सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है एंड ओ भी हो सकता है, सारे आ जाते हैं उसमें. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा नीट में कि ए वाला बी से शादी कर रहा है, बी वाला ए से शादी कर रहा है, तो उसमें सारे ब्लड ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है. क्वालिटी क्वेश्चन, ये ट्रिक भी देख लो, ट्रिक भी ध्यान में रखना है, ठीक है. नेक्स्ट, इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीजेस, लास्ट 3 क्वेश्चन, कम ऑन गाइज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कौन सा? इजी एमसीक्यू, पोटैटो पीएसटीवी, वायरॉइड्स, वायरॉइड्स कैसे होते हैं? विनायक ने सबसे पहले दिया है, अंशु कम ऑन, अखिला, विनायक, अथर्व, विनायक, यस दयानंद कम ऑन, आज डिफॉल्टर, सही बात है भैया. आरएनए मॉलिक्यूल होता है विदाउट द प्रोटीन कोट, विदाउट द प्रोटीन कोट होता है, सी ऑप्शन आ जाएगा, विदाउट प्रोटीन कोट, ठीक है. टिल द नीट सृष्टि, 5 सेशन हो गए हैं और 5 सेशन होंगे, मतलब और 5 दिन तक डेली 9 PM ये क्लास होगा, ठीक है. और भी कुछ करेंगे अपन लास्ट के दिनों में, तो डेली आना है 9 PM एंड सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा लो, कुछ भी नोटिफिकेशन नीट के रिलेटेड सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट के लिए भी यही पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है. नेक्स्ट, लाइट में भी लिमिटिंग फैक्टर फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन, बताओ लास्ट 2 क्वेश्चन. चलो भैया, लाइट में भी द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन, ये एमसीक्यू आना चाहिए. ब्लैकमैन्स लॉ क्या कहता है? कि जो सबसे कम क्वांटिटी में परिंदे, लेस क्वांटिटी में, ठीक है, तो लेस क्वांटिटी में लाइट किसको मिलती है? सीओफाइट्स. सीओफाइट्स मतलब क्या? जो शैडो में आते हैं ना, शैडो, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे आते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे जिनको लाइट नहीं मिलता, उनको लाइट बहुत कम होता है, तो उसमें लाइट क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर होगा. तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ठीक है. सीओफाइट मतलब जो शैडो में आते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे आते हैं छोटे छोटे, तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है. चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, स्प्लाइसिंग इज, क्वालिटी क्वेश्चन भैया, इसके बाद तो लाइक कर देने का है, ठीक है. जिन्होंने लाइक नहीं किया सब्सक्राइब कर देने का. आज के 100 क्वेश्चन सही हुए. जो भी बच्चे शुरुआत से एंड तक है उनके लिए तालिया, जो बीच में जुड़े और एंड तक है उनके लिए भी तालिया, ठीक है. बता दो, इज अ स्प्लाइसिंग इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, ठीक है भैया. तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, ठीक है. ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है. इसके अलावा मेरा और एक यूट्यूब चैनल है, ईकट्टा नाम से मेरा एक चैनल है, जहां पे मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ, तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना. एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ ईकट्टा, एंड ये चैनल बायोकट्टा. इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है डॉक्टर शुभम मुड़े. तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है. एंड ये मेरा इंस्टा आईडी है, शुभम मुड़े 88 इज माई इंस्टा आईडी.